सो हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। एक बहुत बड़ी खबर मैं आप सभी को दे देता हूँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। LIC ने जो है DRHP फाइल कर दिया SEBI को, और हुआ क्या है दोस्तों कि IPO जो है वो ऑफिशियली वो अनाउंस हो चुका है कि May 4 से वो स्टार्ट होगा और May 9 तक चलेगा, यानी वेंसडे से लेके मंडे तक चलेगा। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है दोस्तों वो 902 रुपया लोअर बैंड और 949 रुपीज़ अपर बैंड पर रखा गया है। यानी जो कट ऑफ होगा वो लो वाला 902 रुपया लीस्ट और 949 रुपीज़ जो है वो अपर बैंड में रखा गया है। अब सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि लगभग 3.5% स्टेक जो है वो सरकार जो है वो IPO के फॉर्म में ला रही है, यानी ये पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप भी अपना जो शेयर्स है उसको रख सकते हैं LIC में। और एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें डिस्काउंटेड भी दिया गया है, यानी अगर आपके पास पहले से अगर कुछ LIC की प्रीमियम है तो फिर आपको 60 रुपया आपको डिस्काउंट में मिलेगा, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं जैसे कि आप हम कोई भी, तो उनको 45 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट रखा गया है। अब सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि जैसे जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा, बिलीव इट और नॉट, ये सारे चीजें जैसे ही खत्म हो जाएगा, यस नो डाउट LIC जो है डेफिनेटली अपना आगे का रणनीति जो है वो सोचेगा, और LIC जो है अपने नोटिफिकेशंस अपने असिस्टेंट को लेके, WO नोटिफिकेशन को लेके, ADO नोटिफिकेशन को लेके वो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जारी करेगा। एंड ये पिछले कुछ सालों से काफ़ी चला आ रहा था ये मसला कि कितना परसेंट स्टेक बेचा जाएगा या कितना परसेंट स्टेक जो है वो पब्लिक के लिए रखा जाएगा, एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, May 4 को है, यानी कुछ ही दिन बचा है दोस्तों। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस जैसे ही खत्म होगा डेफिनेटली हम जो है एज एन एस्पायरेंट अगर हम अपने आप को देखें कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है दोस्तों। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो पे, ये एक छोटा सा जो है जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता था। मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ अगर आपसे हो सके तो ऑब्वियस बात है अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, द बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, द बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया या द इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, इन सभी अखबारों को भी जो है आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुभ केयर, लव यू ऑल, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।